बच्चे एक बहुत ही शानदार एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 e टू द पावर 5x का फाइंड करना है। तो बच्चे यहां देखो, तो तुम्हारा ये क्या आ रहा है, e टू द पावर x पावर 1 e टू द पावर x पावर 2 और बीच में क्या आएगा e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x 4 फिर तुम्हारा क्या आएगा e टू द पावर 5x। देखो तो हम इसको क्या लिख लेंगे, e टू द पावर x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। देखो और फिर मुझे यहां से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना, इसका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर एक्स क्यू प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। और देखो तो आपको क्या देखो आंसर क्या पता है कि हम जब ई टू द पावर एक्स का निकालते हैं तो ई टू द पावर एक्स, यहाँ देखो देखो ई टू द पावर समथिंग यानी ई टू द पावर सॉरी यहाँ प्लस है यानी ई टू द पावर समथिंग यानी कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर देखो इंटू फिर क्या होता है इस समथिंग का यानी कि एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ देखो ई टू द पावर समथिंग यानी ई टू द पावर समथिंग इंटू फिर इस समथिंग का देखो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर e टू द पावर समथिंग यानी e टू द पावर x टू पावर 4 इंटू फिर इसका यानी कि 4x क्यूब प्लस देखो e टू द पावर x टू पावर 5 यानी e टू द पावर x टू पावर 5 इंटू फिर हम इसका निकालेंगे x टू द पावर 5 का यानी 5x टू द पावर 4। तो यह था इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन।